देखिए ये क्वेश्चन हमारा इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n स्क्वायर व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1 व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स व्हाट इज द सेकंड टर्म एंड आल्सो फाइंड थर्ड टेंथ एंड द nth टर्म। सो देखिए हमें sn दिया हुआ है sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। सो sn की हेल्प से हम tn निकाल लेंगे। tn का फॉर्मूला होता है sn माइनस Sn माइनस वन। सो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब देखिए Sn माइनस वन जो है इसमें हम n की जगह पर n माइनस वन हम कर देंगे माइनस n माइनस वन टू द होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं 4n माइनस n स्क्वायर, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस माइनस 4n प्लस 4 प्लस एन माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। सो देखिए अब आप ध्यान से देखिए 4n से माइनस 4n हमारा कट जाएगा और ये 4 प्लस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। सो ये हमारा 4 प्लस, देखिए ये एन माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 प्लस एन इंटू एन माइनस वन माइनस एन। सो ये प्लस एन से माइनस एन कट जाएगा एंड ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 2 एन माइनस वन इंटू माइनस वन। सो ये हमारा हो जाएगा, जैसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 माइनस 2 एन हमारा हो जाएगा। और देखिए जो आपको nth टर्म फाइंड करना है तो ये हमारा हो गया है, इसकी हेल्प से आप फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। t1 हमारा हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा जिसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। सो t1 हमारा 3 है और देखिए सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म हमारा ही फर्स्ट टर्म का सम हो जाएगा। और अगर हमें s2 निकालना है तो s2 हमारा होता है इज इक्वल टू t1 प्लस t2। सो हमें t2 हमें निकालना पड़ेगा तो t2 हमारा हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2। देखिए हमारा tn हमारा 5 माइनस 2n है तो ये हमारा हो जाएगा t2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो s1 हमारा t1 प्लस t2 है तो इसकी जो वैल्यू है t1 की वैल्यू 3 आ गई है एंड t2 की वैल्यू 1 आ गई है तो जिसे सॉल्व करेंगे तो s2 की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। एंड देखिए हमारा सेकेंड टर्म भी आ गया और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म भी आ गया। ठीक, अब हमें थर्ड टर्म निकालना है तो t3 हमारा हो जाएगा 5 माइनस 2n हो जाएगा। सो 5 माइनस 2 इंटू 3, सो ये हमारा t3 हो जाएगा 5 माइनस 6 जिसे आप सॉल्व करेंगे t3 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। सो देखिए हमारा थर्ड भी आ गया है, अब हमें टेंथ निकालना है तो tn हमारा 5 माइनस 2n दिया हुआ है तो t10 हमारा हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 10। सो t10 की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 50।